में आज पूर्व मंत्री तुकोजी राव पवार की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम हो रहा है और राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव संबोधित कर रहे हैं। देवास का सर्वांगीण विकास हमें नित्य निरंतर करते रहना है, ये तो एक अनावृत कथा है जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर मैं देवास में हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के नाते, पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत डिटेल्ड मीटिंग यहाँ रखी थी जहाँ देवास के पूरे प्लान पे उन्होंने चर्चा करी थी। आपका जो सुपर गवर्नर जो उन्होंने था मैं सफल भी किया, उसका लाभ भी मिला है मेरे ख्याल से सभी लोगों के पास। तो हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, औद्योगिक यहाँ के उन्नति विकास के लिए करीब 3245 हेक्टर भूमि आपके यहाँ चिन्हित करी गई है। वहाँ कुछ लैंड पूलिंग के तहत कुछ शासकीय भूमि को लेके मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके यहाँ होने जा रहा है। मेजर प्लानिंग में है, कार्गो हब की भी प्लानिंग है जिसके लिए करीब 400 हेक्टर भूमि आपके यहाँ पे ग्राम बागर के पास वो भी प्रस्तावित है। इन सब चीज़ों के बारे में आज कलेक्टर साहब से भी चर्चा करी। इस सब का अर्थ ये है कि जैसे जैसे इंदौर में क्लॉगिंग हो रही है वहाँ लोग इस तरफ आएंगे और भोपाल की तरफ आपका फ्लो बढ़ेगा और एक लोगों पर तमाम इस तरह की चीज़ें जब आप आपके यहाँ पे आएगी तो रोजगार के भी बहुत सारे अवसर उत्पन्न और पैदा होंगे। तो मैं आप सभी को पुनः शुभकामना देता हूँ। जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे हैं बहुत ही अच्छा पोटेंशियल मैंने देखा, फिटनेस लेवल अमेजिंग है मेरे ख्याल से, और कोचेज़ को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपके जो प्रशिक्षित कोचेज़ हैं ये बहुत ही एक अनुशासित होके जीवन जीना पड़ता है खिलाड़ी को, बहुत ही डेडिकेशन से, बहुत सिंसियरिटी से और बहुत ही कंसिस्टेंसी से। याद है स्कूल में मैं 400 मीटर्स किया करता था, हमारा कोच ने 400 मीटर रुका दिया करता था और हमारी पूरी बॉडी कंसिस्टेंट होती थी, पूरे साल भर का चार्ट बनता था। और जब हम कभी कभी चिड़चिड़ के कोच से कहते थे तो कोच कहता था कि अगर आपका इवेंट एक सर्टेन टाइम पे है तो इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी की पीक परफॉर्मेंस उस इवेंट पर हो, क्योंकि पहले अगर बॉडी पीक कर जाएगी तो फिर वो प्लेटो जैसे पे डिक्लाइन आता है। तो बॉडी की कंडीशनिंग होती थी, स्ट्रेंथ के लिए काम किया जाता था, स्टैमिना के लिए काम किया जाता था, डाइट पर ध्यान दिया जाता था, फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज पर ध्यान दिया जाता था। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि ये समय लौट के नहीं आए, तो ये समय आपके जीवन का स्वर्णिम काल है। इससे अच्छा वक्त स्कूल कॉलेज लाइफ आप कभी पलट के नहीं आए। समय काल परिस्थिति मानव नहीं सिर्फ ईश्वर के हाथ में होती है। तो ऐसा भी कहते हैं बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि रुके हुए राही के लिए कोई रुका नहीं, वक्त हम सबको भुला के चला जाएगा। तो सबसे पहले डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है और फिर शेड्यूल इम्पॉर्टेंट है, फिर जो गुरु का महत्व है, अगर किसी ने महाभारत पढ़ी हो तो द्रोणाचार्य का महत्व समझते होंगे, कितनी कठिनाई पांडवों को आई थी और अंतोदगत हुआ कृष्ण भगवान की सलाह लेके उनको कहीं ना कहीं अर्धसत्य का सहारा लेना पड़ा था, गुरु द्रोण को हरा पाए थे। याद है किसी को अश्वस्थामा नरोमा तुम्हें, और तब गुरु द्रोण गए नहीं तो महाभारत शायद पता नहीं इसका क्या परिणाम होता। तो गुरुजनों का सम्मान करें, हमेशा मन में भाव रखें, राष्ट्र सर्वोपरि है, जन्मी जन्मभूमि के भाव से काम करें। मैं तो अंत में यही कहूँगा स्वर्गीय महाराज को याद करते हुए आप सभी को, बच्चों के लिए सबसे जरूरी और सबसे पहले कि राष्ट्रभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी बालक माला में बिन प्रेसी को ललचाऊँ। तो देवास में आज खेल प्रतिभाओं का सम्मान हुआ और इसी कार्यक्रम की सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में सभी